15 जुलाई देवाधिदेव महादेव का वार आज है सोमवार। कुंडली में बन रहा सिद्ध योग, बड़े बुजुर्ग ऑफिस के बॉस की सलाह से आपके काम बनेंगे। चंद्रमा और सूर्य के नवम पंचम राजयोग आत्मा और मन के साथ आपको संतुष्टि मिलेगी। परिवार और दोस्तों के सहयोग से आपके बिगड़े काम भी अब बनने लगेंगे। चंद्रमा राहु का षडाष्टक दोष, ड्राइव करते समय सावधानी रखें, स्थिति कमजोर हो सकती है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य राहु का ग्रहण दोष अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 15 जुलाई सोमवार आज का राशिफल। आज बहुत ही शुभ और पुण्य दिन है बड़ली नवमी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के नवमे दिन बड़ली नवमी का होना किसी भी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए बिना मुहूर्त देखे आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों के लिए आज कुछ खरीदारी कर सकते हैं, नहीं तो कुछ रुपए पैसा उसके लिए निकाल सकते हैं। नवरात्रि के नौवे दिन इसे महानवमी भी कहते हैं और यह दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा का दिन होता है। देवी सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है और आज कुंडली में सिद्ध योग भी बन रहा है। इस दिन भक्त व्रत पूजा उपवास करते हैं। आज हवन करना चाहिए और पूजा अर्चना करते समय उसके बाद कन्या पूजन जरूर करिए। यह दिन साधना तंत्र विद्या और अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आज 3 मिनट का देवी का ध्यान करते हुए अगर आप अपनी मनोकामना बोलेंगे, समस्या बोलेंगे, निश्चित रूप से आपको समाधान मिलेगा। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। एक किसान अपनी पत्नी को हमेशा कोसता था कि तुम बहुत आलसी हो, कुछ नहीं करती हो, दोपहर में सोती हो, लेट उठती हो, बहुत सारी चीजें कहता था। और एक दिन उसकी पत्नी को इन शब्दों से बहुत नाराजगी हुई। उसने कहा, चलो एक काम करते हैं, मैं तो बहुत आलसी हूँ, आप बड़ा काम करते हैं। अब आप एक काम करो, घर पे रह के आज आप अपना काम करिए और मैं जाकर खेत में अपना काम करती हूँ, यानी खेती करती हूँ। आप क्या करना, यहाँ पर दिन भर घर पर बैठ कर सबसे पहले तो गाय का दूध निकालना, कपड़े धो लेना और बर्तन धोना तो बोलना मत, घर की साफ सफाई तो करनी है, और हाँ मुर्गियों का दाना डालना, और जब समय मिले शाम को तो सूत काटना तो बोलना मत। अब मैं खेत में जा रही हूँ, किसान ने खुशी खुशी कहा कि बहुत अच्छा। महिला खेत पर गई और वो अपने काम पर लग गई। जो पति है वो घर पर रुका, पहले बर्तन धोए और बर्तन लेकर जब गाय का दूध निकालने गए तो गाय की लात पड़ी। कपड़े धोने के बाद वो घर की साफ सफाई करते हुए मुर्गियों को दाना भी डालता है। इतना करते करते उसका दम निकल गया और शाम को सूत कातना भूल गया। इसी तरह शाम हुई, शाम को उसे दरवाजा खोला, जब पत्नी घर आई तो किसान ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और उसके बाद उसे अपनी पत्नी से कोई गलती या फिर उसकी कोई कमी उसे दिखाई नहीं दी। उस किसान को तो अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या आप पुरुषों को अपनी गलती का एहसास है? हम हमेशा अपनी पत्नियों को गलत ठहराते हैं और कहते हैं कि तुम करती क्या हो, बच्चे कम नंबर लिख रहा है तो हम डांटते हैं कि बच्चे तुम्हारे भरोसे छोड़े थे, मैं तो ऑफिस जाकर काम करता था। हमारी भी उतनी जिम्मेदारी जितनी हमारी पत्नी की है। प्रिय साथियों, अपनी जिम्मेदारी को उठाना और उसे निभाना यही सच्चे पुरुष की निशानी है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनल मिलना चाहते हैं तो आज 15 तारीख को मैं हरिद्वार हूँ, 19 जुलाई मुंबई, 20 जुलाई को नासिक रहूंगा, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई को गुड़गांव गुरुग्राम और 28 तारीख को काठमांडू नेपाल में रहूंगा। अगस्त महीने में 3 अगस्त को अहमदाबाद, 4 अगस्त को मुंबई, 10 अगस्त दिल्ली और 11 अगस्त को मैं पुणे में रहूंगा और जल्द ही सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की डेट में आपको अनाउंस करूंगा। प्रिय साथियों, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, आप मुझसे गुरु दीक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं और 1 मिनट मुझसे गुरु पूर्णिमा के दिन फोन पे बात भी करेंगे। 22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं, चारों सोमवार पर हमारे विशेष पंडित जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपके द्वारा भेजे गए नाम, माता पिता के नाम और गोत्र से संकल्प लेकर विधि विधान से पूजा करेंगे। तो आप अपनी डिटेल जल्द ही इस नंबर पर हमें भेज दीजिए। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 7:19 तक बड़ली नवमी रहेगी और बाद में दशवीं तिथि रहेगी। आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन आज सिद्ध योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश्यु का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। वैसे तो पूरा दिन ही शानदार है क्योंकि बड़ली नवमी है, लेकिन सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का चौघड़िया है और दोपहर को 4 से 6 बजे तक लाभ और अमृत का है, लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर या दोस्तों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए, गिले शिकवे दूर करिए।
बिजनेस पर्सन काम की शुरुआत प्रसन्नता के साथ करें, मन लगाकर काम करेंगे और हर काम को खुश रहकर करेंगे, निश्चित रूप से आपने जैसा सोचा है उससे बेहतर आपको परिणाम मिलेगी। प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, ई लर्निंग कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे रहे हैं या किसी प्रकार के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स आप करवाते हैं, उन लोगों के लिए, उन बिजनेस पर्सन और प्रोफेशनल लोगों के लिए दिन अच्छा है। मार्केट में अटका लटका भटका काम आपका पूरा होगा और आपके रुके हुए पैसे भी प्राप्त होंगे। जल्दीबाजी आज बिल्कुल मत करिएगा। वर्क प्लेस पर ऑफिस का इंपॉर्टेंट डेटा वैल्यूबल चीजों को संभाल के रखें, क्योंकि लापरवाही के चलते कोई हैक कर सकता है या फिर कोई उसका मिसयूज कर सकता है। बॉस से सुर ताल और लय बिठा के चलिएगा, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और सलाह मशवरा भी होगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स नेक्स्ट तैयारी में जुट जाएं, आलस्य को घर के बाहर रखें। परिवार की समस्याओं पर ध्यान दीजिए, उसे दूर करने के लिए किसी और के नहीं परिवार के साथ बैठकर बातचीत करके मार्गदर्शन निकलेगा। घर पर किसी का जन्मदिन या शुभ या स्पेशल कोई काम है तो आज जेब ढीली होने वाली है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज एक और सलाह मेरी तरफ से कि आप जितना हो सके किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, आपको मोटिवेशन मिलेगा। फिटनेस को बरकरार रखने के लिए अच्छी नींद, अच्छा म्यूजिक और अच्छा भोजन बहुत जरूरी है। वृषभ राशि, किसी पुराने मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। वर्क प्लेस पर आपको आगे बढ़ने के लिए ऑफिस के सीनियर से नई प्रेरणा मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन यदि काम में नयापन चाहते हैं तो काम के पैटर्न को बदलिए, अपने रूटीन को बदलिए और अपने रुचि वाले काम ज्यादा करिए। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। आज बिजनेस करने वाले लोगों को कोई प्रोवोक करेगा लड़ाई झगड़े के लिए, ग्राहकों से उलझ बैठ सकते हैं या उलझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बिजनेस पर्सन यदि बड़े पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो अपनी देखरेख में सारे काम करें, किसी को OTP शेयर नहीं करें वरना कोई इसका मिसयूज कर सकता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज खुशी का दिन है। घर के किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर परिवार के सदस्यों में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा और ट्रैवल भी संभव है। यदि आप कोई नशा करते हैं तो आपकी सेहत खराब हो सकती है, गले का इन्फेक्शन या शरीर में कोई दर्द परेशान कर सकता है। मिथुन राशि की बात करते हैं। प्रिय साथियों, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात आपको खुश कर देंगे। वर्क प्लेस पर यदि ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो सभी काम को बांट कर करेंगे तो समय से पहले आप फ्री हो जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन सकारात्मक ऊर्जा से ओत प्रोत रहेंगे, फुल डेडिकेशन के साथ काम करेगा। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से आज मदद मिलने वाली है। सिद्ध योग के बनने से लॉजिस्टिक का काम करने वाले लोग, टूर्स एंड ट्रेवल और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करने वाले लोग, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को आज सुधार दिखाई देगा। नया मैनेजमेंट और नई टेक्नोलॉजी आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। बिजनेस पर्सन को बिजनेस में पिता का सहयोग मिलेगा और साथ ही बिजनेस पार्टनर के साथ अगर कर रहे हैं तो बड़ी बातों पर ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातों पर तकरार हो सकता है, उसे अवॉइड करिए। आपके द्वारा दिए गए जो भी काम है वो आपके आसपास के लोग तो कर ही लेंगे, लेकिन प्रयास करते करते आप कोई ताबड़तोड़ काम करेंगे जिससे गलती की गुंजाइश रहेगी। घर के सदस्यों के साथ डिनर प्लान करिए, सरप्राइज पार्टी दीजिए, बच्चों के साथ बच्चे बन जाए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स रिविजन करिए, पहले कहाँ गलतियां की है उससे सीख कर आगे बढ़ने का दिन है। यदि 15-20 मिनट आप योग और प्राणायाम कर लेंगे तो आज चुस्ती और फुर्ती बहुत रहेगी। कर्क राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझाइए, खरीदना बेचना रिनोवेशन डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हो। वर्क प्लेस पर आपको अधिक एक्टिव रहना होगा और अपने कॉन्टैक्ट्स को भी एक्टिव करना होगा, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा जिससे आपके काम जल्दी आप कर पाएंगे। गैजेट्स की तरह अपने आप को भी समय के साथ अपडेट और अपग्रेड करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को अपना काम अलर्ट तरीके से करना होगा क्योंकि कुछ गलतियां करने वाले उसके बाद आप फंसने वाले हैं। हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करने वालों, खाने पीने की चीजों का काम करने वालों और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग और फ्रीलांसर लोगों के लिए आज कोई घाटे का सौदा हो सकता है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज किसी और को सलाह देकर वो आपसे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप दूसरी चीजों में उलझकर अपने टाइम को वेस्ट करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ तनाव बिल्कुल न होने पाए, आत्मचिंतन और आत्ममंथन करिए। पार्टनर की हां में हां मिलाने में आपकी भलाई है। संतान और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर आज विशेष ध्यान देना होगा। दिल की बात कहने में देर मत करिए वरना गाड़ी आगे निकल जाएगी और गलत फैसले उसके बाद आपको लेने पड़ेंगे। जबड़े में दर्द, मुंह में तकलीफ या छाले की परेशानी, पेट में तकलीफ की वजह से हो सकती है, ख्याल रखिए और ज्यादा पानी पिए। प्रिय साथियों, आइए चार राशिवाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि अगर किसी प्रकार का मानसिक तनाव आपको चल रहा है तो आज भोलेनाथ की आराधना करने का दिन है। इन्हें 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए और बिल्व पत्र अर्पित करते समय
ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रि जन्म पाप समहारम एक बिल्व शिवार्पणम। ये बिल्व पत्र चढ़ाते समय मंत्र पढ़िए और बिना टूटे हुए चावल भी अर्पित करें, फिर गंगा जल से अभिषेक कर धूप दीप करिए और इसके बाद घी या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, फिर मन ही मन 3 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, इससे आपका तनाव शुभ मंत्र हो जाएगा। सिंह राशि, आज उत्साहित रहकर आप अपने काम को करेंगे तो काम में वृद्धि होगी और सिद्धि भी प्राप्त करेंगे। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम में मन लगाकर काम करना होगा, मन को व्यथित रखें, आप कोई गलती करने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन पूरी क्षमता डेडिकेशन के साथ लक्ष्य को साध पाएंगे और सुखद परिणाम शाम तक प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग पब्लिशिंग का काम करते हैं, न्यूज एजेंट है, न्यूज पेपर और मैगजीन का काम करते हैं, ऑनलाइन मीडिया से जुड़े हुए यूट्यूबर ब्लॉगर हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, किसी प्रकार के रेडियो से जुड़े हुए कम्युनिकेशन मास मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए आज बेहतर लाभ का दिन है और अच्छे अनुभव आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के सहयोग से बिगड़े काम को बनाने का मौका मिलेगा। घरेलू कलह और अशांति को दूर करने के लिए आप मत कूदिए समस्या में, घर की महिलाएं अपने आप सब कुछ ठीक कर लेंगी। जो स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स विदेश जाना चाहते हैं, किसी स्पेशल काम के लिए जाना चाहते हैं तो फोकस रहिए, ऑनलाइन आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नए अपॉर्चुनिटीज और मौके मिलने वाले हैं, उसे बुनाइएगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, लेकिन बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर कहीं आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, इसका ध्यान आपको रखना होगा। ड्राइव करते समय लापरवाही भारी पड़ सकती है। कन्या राशि, धन को निवेश कहां करना, ये सूझ आपको मिल जाएगी और अच्छी अपॉर्चुनिटी शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आपको मिल जाएगी। वर्क प्लेस पर बॉस की महत्वपूर्ण सलाह आपके काम आने वाली है। आज साधारण से साधारण व्यक्ति भी आपको कोई अच्छी सलाह दे सकता है, मार्गदर्शक बन सकता है। सिद्धियों के बनने से जिन लोगों ने जॉब के लिए आवेदन किया है उन्हें शुभ समाचार मिलने वाले हैं। बिजनेस के मामले में नई प्लानिंग बना सकते हैं और बिजनेस पार्टनर के साथ आज आपको नई नीतियां लागू करने के लिए शुभ दिन है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपर वेब डेवलपर सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को आज अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं और आवश्यकता जितनी है वो उसकी पूर्ति आज हो जाएगी। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने ज्ञान को अर्जन करिए, उसका बखान नहीं करें, आप नहीं आपका काम बोलना चाहिए। बात करें फैमिली लाइफ की तो पेरेंट्स के लिए कष्टप्रद दिन है, आपके जुबान से आज किसी आत्मा को ठेस पहुंच सकती है। कैल्शियम हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 की कमी आपको परेशान कर सकती है, चेकअप कराइएगा। तुला राशि, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर व्याप्त होगी। सिद्धियों के बनने से वर्क प्लेस पर आप द्वारा पिछले प्रयासों के चलते अच्छी तरक्की और शुभ सूचना मिल सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टीम के साथ प्लानिंग करके आगे बढ़े और काम को बांट कर करोगे और लीडरशिप क्वालिटी के साथ काम करोगे तो आप अपने आप को साबित कर देंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर आपसी मतभेद है तो जितना आप शांत रहेंगे उतना ही विवाद होने से बच जाएंगे। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज अनुभवी लोगों की सलाह या कंसल्टेंसी लेना शुभ रहेगा। दोस्तों के साथ हल्की फुल्की बातचीत चिंता का विषय भी बन सकती है, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिका टिप्पणी करके आप फंस जाएंगे। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए थोड़ा रूटीन चेंज करिए, थोड़ा एंथुजियाज्म लेकर आइए, तब जाकर आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। प्रखर बुद्धि के द्वारा इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने वाले हैं। जोड़ों में दर्द और पैरों में दर्द आपको परेशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी और नए कानूनी दांव पे सीखने का दिन है। आप जितना सीखोगे अप्लाई करोगे उतना ही आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल वर्कलोड अधिक रहने या किसी और की भी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, इससे आप चिंता में पड़ जाएंगे और थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे और मैस हो जाएगा काम में, इसलिए ऑर्गेनाइज करके काम करिए, प्रायोरिटी वाइज काम करिए। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए समय और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप इसका सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करेंगे और बाद में फटकार आपको मिलने वाली है। बिजनेस पर्सन को काम को निपटाने के लिए दो दो हाथ करने होंगे, कमर कस के तैयार होना पड़ेगा, तब जाकर सही काम कर पाएंगे। स्पा सलोन जिम चलाने वालों, कॉस्मेटिक का काम करने वालों, स्किन केयर का काम करने वालों, फिटनेस योगा टीचर जो लोग हैं या किसी प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। थोड़ा सा रूटीन बदलिए, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था उनका पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया तो निश्चित रहिएगा सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर
आज शाम को सत्संग करिएगा, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करिए। आपको आज नो करना भी आना चाहिए, जो आप काम नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं उसमें किसी को कंफ्यूज रखने की जरूरत नहीं है, मना कर दीजिए। सेहत के मामले में आप लकी हैं, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर सकते हैं। प्रिय साथियों, आइए अब आठ राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि शास्त्र के अनुसार कौन से वो पांच दान है जो महादान है। भूमि दान, पहले के समय राजाओं द्वारा योग और श्रेष्ठ लोगों को भूमि दान दी जाती थी। आश्रम, विद्यालय, भवन, धर्मशाला, प्याऊ, गौशाला निर्माण के लिए जमीन दान करना श्रेष्ठ होता है। दूसरा, गौ दान। सनातन धर्म संस्कृति में गौ का विशेष महत्व है। इस दान के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति गौ दान करता है, इस लोक के बाद परलोक में भी उसका कल्याण होता है। दान करने वाले व्यक्ति और उनके पूर्वजों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा है अन्नदान। अन्नदान करना बहुत ही पुण्यशाली माना जाता है। यह एक ऐसा दान है जिसके द्वारा व्यक्ति भूखे को तृप्त करता है और यह दान भोजन की महत्ता को दर्शाता है। सभी प्रकार की सात्विक खाद्य सामग्री दान करने से अगले का पेट भरता है और आपके कष्ट दूर होते हैं, पर कष्ट दूर हो जाए इसलिए पेट भरना यह गलत होगा। अगला है कन्यादान। कन्यादान भी एक महादान है। सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम माना गया है, इसलिए जिनके घर बेटियां हैं वो बहुत लकी है। अगला है विद्यादान। इस दान से मनुष्य में विद्या, विनय और विवेकशीलता के गुण आते हैं। भारतीय संस्कृति में सदियों से गुरु शिष्य की परंपरा में विद्या दान का महत्व चला रहा है। प्रिय साथियों, शास्त्रों में विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ दान में से भी एक है, क्योंकि जितना आप विद्या बांटोगे उतनी आपकी बढ़ती जाएगी। बात करते हैं धनु राशि की। बिस्तर से उठते वक्त अपने डे को डिजाइन कर लीजिए। आप अपने दिन से क्या चाहते हैं, कैसा प्रॉफिट चाहते हैं, फिर वैसा ही दिन बनेगा। वर्क प्लेस पर काम को लेकर चल रहा तनाव कम होगा, जिस कारण काफी दिनों के बाद आपके चेहरे पर खुशी आ सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन करियर में बदलाव लाने का विचार बना रहे तो इस दिशा में प्रयास को तेजी से आगे बढ़ाइए। कपड़ों का, खाने पीने की चीजों का, ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले लोगों को ग्राहकों को लुभाने के लिए नई योजनाएं बनानी पड़ेगी। नए पार्टनर को लेना है, पार्टनर के साथ कोई नया काम की प्लानिंग करनी तो आज सुबह 10:15 से 11:15, दोपहर को 4 से 6 के बीच में कर लीजिए। जितना हो सके यंग है जो लोग हैं उनको वाद विवाद से दूर रहकर अपने काम में परफेक्शन लाने के लिए समय लगाना चाहिए। वर्किंग वुमेन वर्क तो अच्छे ढंग से कर सकती है, लेकिन घर में अशांति के माहौल में आज डिस्टर्ब होने वाली है। किसी पड़ोसी से या पड़ोस में काम करने वाले लोगों से कहा सुनी हो सकती है। घर की मरम्मत रिनोवेशन के लिए जेब खर्च होने वाला है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं, लेकिन पूरा प्लान करके करिए। बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरा से ही ये काम आपके होंगे। स्वास्थ्य और ट्रैवल में लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए अलर्ट रहिएगा। बात करते हैं मकर राशि की। आपकी जॉब क्या, किस काम से आपका दिन चलता है, आपकी प्रोफाइल क्या, उसमें थोड़ा बदलाव करिए। नया पढ़ लिख कर विचार जो अप्लाई करेंगे तो आज का दिन एंथुजियास्टिक रहेगा। वर्क प्लेस पर आपके मन में पॉजिटिव विचार आएंगे, उसे अप्लाई करोगे तो स्वतः ही आपके काम बनते चले जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में ट्रांसफर, प्रमोशन की फाइल आगे बढ़ रही है, लेकिन नई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका इंतजार कर रही है। जो लोग रिन्यूएबल एनर्जी का काम करते हैं, सोलर का काम करते हैं, ऑयल एंड गैस का काम करते हैं, वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बेहतर मैनेजमेंट और बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग ये आपको आगे रखेंगे और सोच समझ के काम करोगे तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। बिजनेस पर्सन को सेविंग की आदत डाल देनी चाहिए और सही इन्वेस्टमेंट के लिए अनुभवी लोगों की सलाह लेनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, किसी और के जो काम में आप टांग अड़ाने का काम करेंगे भाषा में कड़वाहट आ सकती है, इसलिए आपको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर के पूजा स्थल की साफ सफाई करें और घर के हर कोनों को साफ करने का काम करोगे तो आज भड़ेली नवमी के दिन माँ लक्ष्मी का बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। कुछ नए और क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं, वो बाथरूम में भी हो सकते हैं, खाना खाते वक्त हो सकते हैं, गाड़ी चलाते वक्त हो सकते हैं, उसको अप्लाई करिए। आंखों में जलन, पेट में तकलीफ या एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। अच्छे काम को करके आज आपका भाग्य चमकने वाला है। किसी की मदद करने का मौका मिले तो चूकिएगा मत। करियर को चमकाने के संबंध में किए गए प्रयास सार्थक होंगे, आज आप नहीं आपका काम बोलना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन यदि करियर की नई शुरुआत करने जा रहे हैं और कुछ भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आज का दिन बड़ली नवमी का श्रेष्ठ है। नए पैकेज पर भी काम हो सकता है। सिद्ध योग के बनने से पार्टनरशिप बिजनेस में बेहतर लाभ मिलने वाला है।
पुलिस फौज प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, काफी चुनौतियां आने वाली है, लेकिन चुनौतियां चेंज करने के लिए आएगी, उसके बाद ही शुभ परिणाम आपको मिल पाएंगे। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ वाणी में क्रोध आने वाला है, ईर्ष्या आने वाली है, वो नहीं आए इस पर ध्यान दीजिए। प्रेम के रंग में डूबे हुए नजर आएंगे आज आप, लेकिन अगर किसी को दिल का हाल बयां करना है तो बयां कर दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी आगे बढ़ जाए। अगर किसी को दिल का हाल बयां करना है तो जरूर कर लीजिएगा, कहीं देर ना हो जाए। सेहत को लेकर ऑयली फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड से दूरी बनाएं। संतान के टैलेंट को निखारने के लिए आज माँ बाप को कुछ स्पेशल करना होगा। मीन राशि, ससुराल से परिवार से तीखी नोकझोंक हो सकती है, इसलिए जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। ऑफिशियल काम को लेकर की गई प्लानिंग आज थोड़ी फेल हो सकती है, थोड़ी सी निराशा हो जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन की शुरुआत सामान्य तौर पर रहेगी और दिन के अंत तक जिम्मेदारी और कार्यभार आपके कंधों पर आ सकता है। जो लोग फिल्म और टेलीविजन से जुड़े हुए लोग हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट है, एम्यूजमेंट पार्क का काम करते हैं, गेमिंग जोन चलाते हैं, स्पोर्ट्स का काम करते हैं और यूट्यूबर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, ब्लॉगर्स है, उन लोगों के लिए तो दिन अच्छा है, लेकिन उनके विरोधी आज ज्यादा सक्रिय रहेंगे। बिजनेस को लेकर कोई नया एग्रीमेंट साइन हो सकता है, ध्यान रहे कि आप अपनी शर्तों और नियम कायदे कानून पर काम करें। आप उन काम को पूरा करने में रुचि रखिए जिसमें आपको शांति और संतुष्टि मिलती है, आज इनोवेशन क्रिएशन ज्यादा रहेगा। यदि परिवार की जरूरतों को, भविष्य की चिंता को लेकर आप परेशानी में जूझ रहे हैं तो परिवार के साथ इन बातों को साझा करिए, अपने दिल पर बोझ हमेशा के लिए बना के मत रखिए। ड्राइव करते समय सावधानी की कमी आज साफ दिखाई देगी, ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। सूर्य राहु का ग्रहण दोष अगर सेवंथ हाउस में हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन थोड़ा प्रभावित रहता है, जीवन साथी के साथ विवाद और लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि लीगल कॉम्प्लिकेशन तक पहुंच जाते हैं। कुछ न हो तो पति की कुंडली में है तो पत्नी बीमार रहती है, पत्नी की कुंडली में तो पति बीमार रहते हैं। स्वास्थ्य को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा होती है और ऐसा व्यक्ति क्रोधी बहुत होता है, गुस्सेल होते हैं, जिससे अपनों को ही बेगाना कर लेते हैं। लेकिन टैलेंटेड होते हैं, स्किल क्वालिटी एबिलिटी शानदार होती है, लेकिन समय रहते उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का रुद्राभिषेक से आज उनका पूजन करिए, लघु रुद्री का पाठ करें या करवाइए। भोलेनाथ को भांग, धतूरे और ठंडाई का भोग जरूर लगाइए और कोशिश करें कि भक्त जनों में भी वितरित करें और गरीब और जरूरतमंद लोगों को आज भोजन करवाएंगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसके पास गुरु नहीं वो निगुरा कहलाता है। चाहे कोई भी साधना हो, व्रत पूजा पाठ हो, वो गुरु दीक्षा प्राप्त साधक सही ढंग से पूजा कर सकता है। वहीं जिसके पास गुरु दीक्षा नहीं है उसकी साधना अधूरी कहलाती है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा मैं आपको दूंगा विशेष दीक्षा। गुरु दीक्षा 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन दी जाएगी, जिस दिन आपके नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके गोत्र के आधार पर आपके लिए तैयार किया जाएगा गुरु शक्ति कवच, जिसे आप धारण कर सकते हैं, अपने पर्स, वॉलेट या अपनी कार में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, जिससे आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा हो सके। क्योंकि आज के इस युग में हम कहीं ना कहीं अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन गुरु दीक्षा कवच प्राप्त करने के बाद आपके पास वो शक्ति आएगी जो गुरु आपको प्रदान करेंगे और आपकी समस्याओं को हर लेंगे। आप इस नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।